वेलकम टू प्रेजेंटेशन ऑन हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी का 7 से 9 सितंबर 2020 को 166 रुपये में आईपीओ आया था। आईपीओ काफ़ी सब्सक्राइब हुआ था, ओवर सब्सक्राइब हुआ था, और उसका जो लिस्टिंग अच्छा 340-50-60 रुपये के भाव में उस समय हुआ था, और उसके बाद वो काफ़ी दिन तक का कंसोलिडेट किया। अभी सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट, थर्ड क्वार्टर रिजल्ट इसके 10 फरवरी को आए हैं, और उसके बाद थोड़ा सा शेयर में अप मूवमेंट देखने को मिला है, और 400 के पार जो है अभी दो तीन दिन से 400 के पार क्रॉस कर गया। और इस तरीके से जो रिजल्ट आए हैं वो काफ़ी अच्छे, सराहनीय और मतलब बहुत एक्साइटिंग है। ये इसी के लिए इसको डिटेल्स कंपाइल करके इसका प्रेजेंटेशन बनाया गया और अपलोड किया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज एंड पब्लिक डोमेन एंड पब्लिश्ड इन गुड फेथ। व्यूअर इन देयर ओन इंटरेस्ट मे लाइक टू क्रॉस चेक एंड वेरीफाई इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कंसर्न्ड सोर्स बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल कमिटमेंट। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर कमिटिंग एनी मनी। हैप्पीएस्ट माइंड अशोक सुट्टा द्वारा प्रमोटेड जो कंपनी माइंडट्री थी, उसी की पहले सब्सिडियरी थी, अभी ये सेपरेटली लिस्टेड कंपनी है। और ये जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंटरप्राइज और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर बाय डिलीवरिंग सीमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस, बिजनेस एफिशिएंसी और एक्सटर्नल इनसाइट। ये इनके जो एरिया है काम करने के वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग, रोबोटिक्स, ड्रोन, सिक्योरिटी और वर्चुअल ऑगमेंटेशन, रियलिटी सेक्टर, इन फील्ड में काम करती है। ये अपने आप का जो इनका जो टैग लाइन है, बॉर्न डिजिटल बॉर्न एजाइल करके है। और जो सेक्टर है जिनमें काम करती है, ऑटोमोटिव, बीएफएसआई मीन्स फाइनेंशियल सर्विस, बैंक फाइनेंस सर्विस, और कंज्यूमर पैकेज गुड्स, ई कॉमर्स, एडुटेक, इंजीनियरिंग, आरएनडी, हाईटेक, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ट्रेवल, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटलिटी, इन सेक्टर में काम करती है। तो इनके जो थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं उनको देखते हैं, तो उसमें आप देखिए इनकम टॉप लाइन और बॉटम लाइन में दोनों चीज में इनकम 182 पिछला क्वार्टर, और अगर उससे पहले जाए तो वाईओवाई के लिए 171 से 192 है। अदर इनकम 428 है, 175 से 201। तो टॉप लाइन में बहुत ज़्यादा मतलब एक सिक्वेंशियल ग्रोथ जिस तरह का होता है वो देखने को मिला है, लेकिन एक्सपेंडिचर जो है घट गया है, प्रॉफिट रिवेन्यू बढ़ा है। एक्सपेंडिचर 152 से 146 करोड़ है, जो क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम अभी एक्सरसाइज कर रही हैं आईटी कंपनियां, और उस प्रकार से इनका खर्चा काफ़ी घट गया और प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखिए 21 का 53, मोर देन डबल हो गया, और सेम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इवन 11 करोड़ टैक्स प्रोविजन पिछली बार की जो वाईओवाई दिसंबर 19 की जो तिमाही थी उसमें कुछ नहीं था टैक्स प्रोविजन, तो 21 करोड़ से 42 करोड़ जस्ट जस्ट डबल हो गया। इक्विटी कैपिटल तो बड़ी है बिकॉज वो आईपीओ आई थी उसमें कैपिटलाइजेशन हुआ है, बट ग्रोथ प्रॉफिट में जो देखने को मिला है बहुत काबिल तारीफ है। 9 मंथ में देखेंगे तो 9 मंथ में भी जो प्रॉफिट का ग्रोथ 68 से 125, और ये जो पिछले पूरे साल में 73 करोड़ था, तो अभी 9 महीने में 125 करोड़ प्रॉफिट हो चुका है। तो इसमें जो है बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट जो है बॉटम लाइन में देखने को मिल रहा है, और टॉप लाइन में तो एक मतलब रीजनेबल सा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और ये जो है कंपनी का जो कारोबार है 97% डिजिटल है और 93% एजाइल, ऐसा इनका कहना है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36%, रिटर्न ऑन इक्विटी 33%, और जो है 2,885 इनके पास हैप्पीएस्ट माइंड बोलते हैं जो पर्सन है एम्प्लॉयड, 7 देशों में काम करते हैं, और बाकी जो इसका हो जो 100% डिजिटली एग्जीक्यूटिव आईपीओ है वीडियो सब्सक्राइब्ड, ये इस तरह का है। तो अशोक सुट्टा प्रमोटर थे कंपनी के। उसके बाद आप देखिए जो इंटरनेट ऑफ थिंग और ब्लॉकचेन, क्लाउड, बीपीएम इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी और मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ट्रेवल, हॉस्पिटलिटी, ये सब फील्ड में वो काम करती कंपनी। तो इसमें 5 ईयर का विजन कंपनी का है, वो है बी दी हैप्पीनेस इवेंगलिस्ट फॉर ईच अदर अवर कस्टमर्स एंड सोसाइटी, अचीव अ वेरी सक्सेसफुल आईपीओ वाई और बिफोर FY23 एंड एन इंटरिम प्रोवाइड मोनेटाइजेशन इवेंट फॉर इन्वेस्टर टीम बाई FY20।
बीन ऑन इज ए कंपनी विद हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर थॉट लीडरशिप इन और फोकस्ड एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, बी ए लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिवेन्यू, डॉलर रिवेन्यू अगर देखते हैं, डॉलर रिवेन्यू में YoY 8.8% की इम्प्रूवमेंट मिली और रुपीज रिवेन्यू में है 14.6% की इम्प्रूवमेंट YoY देखने को मिला है। EBITDA जो है 112% इम्प्रूवमेंट है और परसेंटेज टर्म्स में 1364 BPS इम्प्रूवमेंट। पैट में 97.1% YoY इम्प्रूवमेंट और परसेंटेज में 876 बेसिस पॉइंट इंप्रूवमेंट। टोटल रिवेन्यू देखते हैं, CAGR पिछले 3 साल में 20.8% कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट्स के हिसाब से टोटल रिवेन्यू बढ़ी है। इब्टा देखिए इंप्रूव हुआ 29.7%, मार्जिन इंप्रूव हो गया 25.6% था पिछले साल की पहली तिमाही में, Q1 21 से Q3 21 में जो 5969 इतना जो है इसका मार्जिन 29.7%। रेवेन्यू मिक्स और देखिए, और उसके बाद जो हाई फ्री कैश फ्लो कन्वर्जन, उसके बाद जो है ऑफशोर ऑनशोर का जो ब्रेकअप है दिया हुआ, तो ऑफशोर ऑनशोर में ऑन साइट ऑफशोर 95%, वॉलंटरी अट्रीशन घटता जा रहा है 25 से अभी 13% करीब है थर्ड क्वार्टर 21 में। और ये जो है रिवेन्यू मॉडल ज्योग्राफी वाइज अमेरिका यूरोप इंडिया, अमेरिका में 72% है और उसके अलावा जो है रिवेन्यू कंसंट्रेशन टॉप क्लाइंट में टॉप 20 में 66% है, टॉप 10 में 49% और टॉप 5 में 34%। उसके बाद मिलियन डॉलर कस्टमर जो FY 18 में 16 थे अभी 25 हैं। ऑन साइट ऑफशोर में जो है ब्रेकअप दिया हुआ 78% ऑन साइट ऑफशोर और 81% Q3 21 में इतना जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। एवरेज एनुअल रिवेन्यू टू एक्टिव कस्टमर, ये डाटा मिलेगा। उसके अलावा जो है ये ब्रेकअप फर्दर उतना डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये ज्योग्राफी वाइज ऑन साइट ऑफ साइट और किस किस तरह का बिजनेस है ये, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, डिजिटल बिजनेस सॉल्यूशन, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, अदर इनकम। इप्टा FY 18 में जो है ये 7 से लगा के बढ़ते बढ़ते जो है 15,690 लाख में फिगर दिया हुआ है। समरी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और कंसिडर बैलेंस शीट, और प्रमोटर का जो हिस्सेदारी इसमें 53.25% है, बैंक UTI म्यूचुअल फंड 6.17%, नॉन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 32.88%। तो इसमें देखिए हैप्पीएस्ट माइंड में जो है पिंक कलर का लाइन जो देख रहा है, 3 महीने का जो 6 मंथ का इसमें प्राइस परफॉर्मेंस का कंपैरिजन दिया हुआ है, उसमें कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड एंड टेक्नोलॉजी रूट मोबाइल। रूट मोबाइल में पिछले 2-1 दिन में काफ़ी ग्रोथ यहाँ पे विजिबल है और हैप्पीएस्ट माइंड में जो है सबसे कम। तो ये सब जानकारी था हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के जो कंपनी के बारे में, उसमें करीब 150 गुनी ओवर सब्सक्राइब हुई थी ये इशू इसका, और अभी 166 रुपये का जो शेयर IPO में दिया गया था वो अभी 400 रुपये क्रॉस कर गया, और इसका जो है जो भी प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है और उसकी जो ग्रोथ है टेक्नोलॉजी कंपनी का वो साल दर साल बहुत इनिशियल पीरियड में काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसको ये जो शेयर है इसमें निवेश जो भी आप 5 साल या 10 साल के नज़रिए से अगर देखते हैं तो उसमें निवेश कर सकते हैं, और उसको जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी आपका जो
शेयर प्राइस में अप्रिसिएशन और कंपनी की वैल्यूएशन में अप्रिसिएशन उसी प्रकार देखने को मिलेगा। और माइंडट्री का आप देखिए किस तरह से परफॉर्मेंस, किस तरह से पैसा बनाया है, उसी प्रकार से इस कंपनी और भी, क्योंकि सभी जो फ्रंटलाइन टेक्नोलॉजी है आज की तारीख में, हॉट टेक्नोलॉजी है, उन्हीं सब फील्ड में ये काम करती है, उसको देखते हुए इस कंपनी का भविष्य जो है अच्छा लगता है। और इसमें जो नॉर्मल जो टेक कंपनी है उनसे बेहतर वैल्यूएशन मिलेगा और बेहतर उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी छोटी कंपनी है, इनिशियल फेज में ग्रोथ अच्छा जनरली देखने को मिलता है। इस प्रकार से इस कंपनी में अच्छा लंबे समय के लिए, 5-10 साल के लिए निवेश करके अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। तो वीडियो में दी हुई जानकारी यदि आपको पसंद आई, अच्छी लगी, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा ट्विटर हैंडल BusinessIt2, वहाँ पे जाके आपको वीडियो और उससे संबंधित जानकारी और सभी हमारे वीडियो मिलेंगे वहाँ पे भी आप उसको वीडियो देख सकते हैं। और यदि आपका कोई क्वेरी है तो यूट्यूब कमेंट बॉक्स या तो फिर वीडियो जो ट्विटर है, ट्विटर में भी भेज सकते हैं, उसमें आप जरूर कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी है उसको रिजॉल्व किया जाए, सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू वेरी मच।